हाउ टू रियलाइज हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स। हमें हाफ एडर डिजाइन करना है और सिर्फ नॉर गेट को यूज करना है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हाफ एडर हम लोग नॉर गेट से कैसे डिजाइन करते हैं। देखिए, डिजाइन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सम और कैरी, हाफ एडर का दो आउटपुट है, सम एंड कैरी। और ये सम और कैरी का हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। सम होता है ए एग्जॉर बी, ए एंड बी दो इनपुट है, सो ए एग्जॉर बी ये सम का एक्सप्रेशन है और कैरी का एक्सप्रेशन है ए इंटू बी। तो यहाँ पे एग्जॉर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, और इसमें एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो हमें बेसिकली ये दो एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है यूजिंग नॉर गेट्स। तो हमें एग्जॉर गेट डिज़ाइन करना है यूजिंग नॉर गेट और हमें एंड गेट डिज़ाइन करना है यूजिंग नॉर गेट। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इस एक्सप्रेशन को नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने दो इनपुट लिया ए एंड बी, ये दो इनपुट है हमारा और यहाँ हम लोग नॉर गेट यूज कर रहे हैं। ए इनपुट बी इनपुट, दो इनपुट है, ए इनपुट एंड बी इनपुट। इस ये ए इनपुट एक शॉर्ट नॉर गेट के साथ कनेक्ट होगा और यहाँ से हम लोग एक बी को भी कनेक्ट करेंगे एक नॉर गेट के साथ। सो यहाँ इनपुट आया आपका ए और यहाँ आया बी, इसका आउटपुट यहाँ क्या आया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ आउटपुट आया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो दो आउटपुट आया है ये किसी नॉर गेट के थ्रू जाएगा। यहाँ एक और हम लोग नॉर गेट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए इनपुट क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करें तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ए डबल कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे ए इंटू बी जो किसका एक्सप्रेशन है, कैरी का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी, ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये कैरी का एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया, ए इंटू बी आ रहा है, ठीक है। अब हमें सम का एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, तो सम का एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए ये जो आउटपुट आ रहा है इसका, इसको हम लोग एक नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए यहाँ जो आउटपुट आया है, यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर इनपुट देखें तो इस पॉइंट पे इनपुट क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ जो इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ सम का आउटपुट है। सम आउटपुट क्या है, ए एग्जॉर बी, ये एग्जॉर बी कैसे आया ये हम अभी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि ये आउटपुट हमने इस नॉर गेट से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे आउटपुट जो है इसका, ये आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इनका होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है और क्या लाना है, ए एग्जॉर बी के फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सम इक्वल टू
ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इनका होल कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ देखिए कि थ्री कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब ब्रेक होगा अगर ये कॉम्प्लीमेंट दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनका डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटू ए प्लस बी इनका डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो दोनों डबल कॉम्प्लीमेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ से भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा ए प्लस बी। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी को इसके साथ और इस बी को इसके साथ। तो फर्स्ट ए इंटू ए ए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, सो ये ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको, इस एक्सप्रेशन के बाद ये ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जीरो प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो यहाँ से देखिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्ज और गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए एग्ज और बी, तो ये किसका, सम का एक्सप्रेशन हो गया ए एग्ज और बी। ये एक्सप्रेशन हमें कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे, ये हमारा सम का आउटपुट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक्सप्रेशन ए एग्ज और बी। सो ये आपका रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन ऑफ हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स। यहाँ आपका कैरी और यहाँ सम आ रहा है, सिर्फ हमने इसमें नॉर गेट यूज किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।